हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है तारीख 29 जनवरी और दिन है सैटरडे का। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे वीकेंड्स चेंज हो गए हैं। अब हम लोगों को भी सारी दुनिया के अकॉर्डिंग सैटरडे और संडे को ही छुट्टी होती है। और मेरे पिछले एक वीडियो में शहनाज जी का कमेंट आया था कि प्लीज़ मेरा नाम आप अपने वीडियो में लीजिएगा, तो शहनाज जी मैंने आपका नाम ले लिया है। और हेलो आपको और आपकी पूरी फैमिली को भी। तो आज जैसा कि मैंने बताया वीकेंड स्टार्ट है, वीकेंड है, तो वीकेंड के दिन हम लोग लंच और ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, तो ब्रंच हमारा हो गया है। और अब हम किसी काम से दुबई जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम जाएंगे अजमान कॉर्निश। तो दुबई तो थोड़ा बहुत काम है तो वो मैं आपको इस साथ नहीं शेयर करूंगी, बट हाँ अजमान कॉर्निश की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए चलते हैं। हमने सोचा था अगर हम कहीं घूमने नहीं गए या काम जल्दी फिनिश हो गया तो अजमान कॉर्निश हमने जाना था, पर क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले थे तो फिर हमने वो कैंसिल कर दिया। और जैसे ही दुबई से वापस आए, खाने की लाइक डिनर के लिए जो भी बनाना था उसकी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हम चले गए थे। अभी हो रहा है शाम का 4:15 और हम आ गए नेस्टो। ये हमारे घर के पास जो अल अरब मॉल है ना, वहाँ पर घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो खाना बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए वो लेने के लिए। और नेस्टो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर दिया है, वो मैं पर आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अभी काम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत शॉप करना है तो वो शॉप कर लेते हैं। चलिए बस हमने ट्रॉली ली और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल की तरफ बोले तो जो जो चीज़ें हमें लेनी थी जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें हम पिक करने लगे। ये लोग पूरा स्टैंड चेंज कर दिए तो अभी ये भी नहीं पता चलता है कि सब्जी किधर है और बिस्किट्स किधर है। हम लोग बिस्किट्स ढूंढ रहे हैं। आप बैकग्राउंड में अजान की आवाज़ सुन रहे हैं, ऐसे लाइक नमाज हर 5 टाइम जो नमाज होती है ना उसमें ऐसे अजान की आवाज़ हर लाइक जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं या मॉल्स होते हैं वहाँ पर आती है। और प्रेयर रूम भी होता है तो आप वहाँ जाकर अपना नमाज अदा भी कर सकते हैं, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी तक ना यहाँ सॉन्ग्स चल रहे थे पर क्योंकि नमाज का टाइम हुआ तो फिर सॉन्ग्स बंद करके ये प्रेयर वाला लगा दिया है। कितना अच्छा लगता है ना, कितना लाइक रिस्पेक्ट है अपने धर्म के लिए, हर किसी को होनी चाहिए। बस फिर हम अपना जो भी सामान हमको इस एरिया से लेना था वो हम लेकर दूसरा वो फ्रेश वाले एरिया में जाने लगे थे। और यहाँ पे मुझे चाय पत्ती का वो दिख गया था ऑफ़र, तो मैंने उठाई तो थी चाय पत्ती लेकिन फिर ली नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स ऐसे लगे होते हैं, आपको जस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और उसका ऑफ़र है या नहीं। सामान लेकर आ गए हैं अब हम घर और अब काम शुरू करना है क्योंकि मेरी दोनों फ्रेंड्स आ रही हैं डिनर पर और उनके हस्बैंड्स जो है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, तो ये बोल सकते हैं कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स घर आ रहे हैं डिनर पर। तो तन की शक्ति मन की शक्ति बोनवीटा बोलते हैं ना, तो मेरी तन की और मन की शक्ति है चाय। तो मैं चाय बना लेती हूँ और साथ ही साथ मील प्लान भी सोच लेती हूँ कि क्या बनाना है, क्योंकि पनीर तो फिक्स है, पनीर तो बनने ही वाला है, उसके अलावा क्या बनाना है वो मैं सोच लेती हूँ। और फिर चाय पीते पीते मील प्लान मतलब अपन बनाएंगे और फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चाय बना लेते हैं। इस बार हम लोग बहुत दिनों के बाद तीनों फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग आई थिंक हरजीत भाभी लोग का जो घर का हाउस वार्मिंग पार्टी थी ना उस टाइम हम तीनों इकट्ठे हुए थे और उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया था। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो बस फिर मैं चाय बना रही थी और साथ ही साथ तो मैं दूसरे काम भी कर रही थी जब तक चाय उबल रही थी, क्योंकि जब कोई गेस्ट आने वाला होता है ना तो मतलब जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता ना मुझे बहुत
घबराहट होने रहती मन में कि अरे ये भी करना है वो भी करना है, तो और सब चीज़ टाइमली होनी भी चाहिए, इस टाइप का मैं मन में सोचती रहती हूँ। तो मैं एक मतलब मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ, इसमें सब्जियाँ भी हैं, दही और पनीर, बिस्किट्स और ये है सब्जियाँ। तो सेट तो मैं अभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी मेरे यूज़ में ही आने वाली है। चाय की आखिरी घूट के साथ ये भी पता चल गया कि मुझे क्या बनाना है। मैंने सोचा है राइस बना लेते हैं और एक दाल, रायता और पनीर की सब्जी, सैलड हो जाएगा, पापड़ और चपाती, इतना ही मैं बना सकती हूँ और यही मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए, मैंने वैसे चाय बनाते बनाते राइस धो के रख लिए थे क्योंकि भिगा के रख लो ना तो चावल बहुत अच्छे बन जाते हैं, और चावल में मैं वो न्यूट्री वाली जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना वो डालने वाली हूँ, तो वो भी भिगा लिए। बस अभी दाल धोना है मुझे और फिर चॉपिंग स्टार्ट करूँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं। बस फिर मैं किचन में आ गई थी और रायते की तैयारी कर रही थी, तो पहले मैं खीरा छीलने गई। फिर मुझे याद आया नहीं, खीरा अगर छील लेंगे तो फिर कलर उतना ज़्यादा कलरफुल नहीं दिखेगा रायता, इसलिए मैंने खीरा नहीं छीला और सिर्फ गाजर छील रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि कलरफुल चीज़ें जितनी खूबसूरत देखने में लगती है उतनी ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगती है। मैंने अंदाजे से कितनी प्याज मुझे पूरे कुकिंग के लिए लगेगी वो, लहसुन ये सब चीज़ें निकाल के रख ली थी, और सैलड के लिए कुकुम्बर ये सारी चीज़ें। इससे क्या होता है, एक बंदा सॉर्ट हो जाता है कि उसको ये सारी चीज़ें चॉप करनी है और कितनी सारी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ये सब आपके मतलब दिमाग में पहले से रहता है ना, तो आप अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं। मतलब क्योंकि मैं बहुत जल्दी सोचने लगती हूँ कि अरे कैसे काम होगा, तो इसलिए मुझे इस चीज़ से हेल्प मिलती है। अगर मैं सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे रख लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कितना काम करना है और कितने देर में ये काम फिनिश करना है। रायता बनाने के लिए मैंने गाजर ऐसे किस लिया है, खीरा और धनिया, और इसमें हम डाल देंगे दही। वेजिटेबल रायता का टेस्ट ही अलग अच्छा लगता है, बूंदी रायता से ज़्यादा अच्छा मुझे वेजिटेबल रायता लगता है। और इसमें मैं काला नमक डालूंगी, आप चाहे तो आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, मुझे काला नमक का टेस्ट रायते में ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ज़ीरा, आपके पास अगर ज़ीरा पाउडर हो तो वो डाल दीजिए। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना कलरफुल भी दिख रहा है ना, इसका टेस्ट भी जितना कलरफुल ये दिख रहा है टेस्ट भी उतना ही ज्यादा आता है। तो थोड़ा सा दही और डाल लेंगे, मुझे लगता है इतना रायता इनफ होगा हम लोगों के लिए। कई लोग रायते में तड़का भी लगाते हैं सरसों का और हींग का, मैं ऐसा नहीं करती हूँ पर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारा रायता तो रेडी हो गया है। अब मैं इसको किसी बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी क्योंकि मैं इसमें आटा भी गूंथती हूँ। सारी प्याज मैं छील के एक बार धो लूंगी और चॉपिंग के लिए मतलब सारे मसाला, जैसे मुझे चावल के लिए भी प्याज चाहिए, सब्जी के लिए भी और दाल के लिए भी, तो जितनी क्वांटिटी प्याज मुझे चाहिए मैं एक बार में सारी क्वांटिटी चॉप कर लूंगी। उससे क्या होता है, आपको इजी हो जाता है कुक करने के टाइम। आप पहले खुद से मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितनी प्याज चाहिए, कितना लहसुन चाहिए, ये सब कुछ। तो मील आपने अगर मेन्यू डिसाइड कर लिया तो समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया। मैं ये सारी चीज़ें अभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ही रखते जा रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में धोना ही है इसको कट लाइक छील कर, इसलिए। और वैसे भी प्लेटफॉर्म दिन में 2-3 बार साफ तो होता ही है तो इतना गंदा भी नहीं होता। आजकल अदरक लहसुन का पेस्ट कितना ट्रेंड में है ना, हर कोई अदरक लहसुन का पेस्ट बनाता है, पर मैं इतना ज़्यादा अदरक लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए मैं पेस्ट नहीं बनाती हूँ। बस जब ज़रूरत हो
थोड़ा सा पील करके यूज कर लेती हूँ। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गेस्ट आ गए और मेरा खाना रेडी नहीं है और मैंने काम पे लगाया है अपने गेस्ट को ही। संदीप भाभी चॉपिंग कर रहे हो और हरजीत भाभी कुकिंग। मैं गेस्ट नहीं, मैं गेस्ट तो हम नहीं है पर इनवाइट तो किया है ना। वही बस फिर खाना रेडी हो गया था। मैंने बनाई थी दाल मखनी, राइस वाला मतलब न्यूट्री वाला पुलाव, पनीर की सब्जी, रायता, पापड़, सैलेड और अचार और लस्सी। संदीप भाभी कल्प्रिट, इन्होंने लेकर आए थे इतने सारे ये बड़े बड़े गुलाब जामुन। अभी ओपन कर कर दिखा, और हम लोग आधे से ज़्यादा खा चुके हैं और ये बाद में इनको पैक करके दे रहे सजा खाने के लिए। बस फिर सब ने मिलकर हम लोगों ने चाय पी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और सब अब जा रहे थे। संदीप भाभी बाय 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 बाय। ये सीरत है और उसने बोला मुझे व्लॉग में आना है, मैं भी बाय करूंगी, तो मैंने बोला चलो बाय कर लो आप भी। अभी बज रहे रात के 10:45 और अभी सारे गेस्ट भी जा चुके हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा। और आज अचानक बना ये प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा, बहुत सबको खाना भी बहुत पसंद आया। पर बात ये हुई कि मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे खाना बनाते बनाते के बीच में ही गेस्ट आ गए थे, तो उनके बीच में शूट करना पॉसिबल नहीं था। पर फिर भी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करके बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। वस्सलामा।